आसान बताने वाली हूँ सबसे सरल विधि से। सबसे पहले चाशनी बनाना है, ये 500 ग्राम मैंने मावा लिया हुआ है। इसमें मैंने सूजी भिगा के रखी हुई है, इतना आधा कटोरी सूजी ली हुई है, ये मैंने केसर भिगा के रखा हुआ है, और मैंने छोटा कटोरी मैंने मीठा दूध लिया, मिल्क पाउडर। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए जिससे मावा को, उसके बाद इसमें सूजी भिगाई हुई सूजी मिला देते। आप चाहे तो मैदा भी मिला सकते हैं, आटा भी मिला सकते हैं, जो आपका आप अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं। उसके बाद जब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ताकि बहुत सॉफ्ट हो जाए, तब फिर इसके बॉल बनाना है छोटे छोटे। गाढ़ी करना है ना, बहुत पतली करना है, अपने हिसाब से आप तो मीडियम रख लीजिए। मेरे बॉल सभी बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो मैंने गोल गोल बनाए हुए हैं, आप ओवल शेल में भी बना सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो। इसमें मैंने एक चम्मच मिल्क पाउडर मिला हुआ है जिससे सारे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट और मार्केट जैसे बहुत अच्छे लाजवाब खाने में लगते हैं। देखिए, इसके बाद मैं तलने के लिए इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। गैस को थोड़ा सा सिम रखना है। जब बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको चाशनी में डिप करना है, और इसमें डालने के बाद 2 घंटे तक सोक करने के लिए रखना है।